बहुत सारे लोग उनको बोल रहे हैं, कई लोग हैं इंडस्ट्रीज के, कि बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो किसी के करने से और कहने से कुछ नहीं होगा। हम तो कहते हैं किसी को नीचा दिखा के आप कितना ऊंचा उठना चाहते हैं, उठ जाएंगे, बताइए। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी गायक समर सिंह को आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने समर सिंह की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद सिंगर समर सिंह की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और जमानत की गुहार लगाई गई थी। समर सिंह ने याचिका में खुद को निर्दोष बताया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि वो बेगुनाह हैं और उसे साजिशन इस मामले में फंसाया गया है। कोर्ट ने मामले में साक्ष्य और परिस्थितियों को देखते हुए याचिका को जमानत दे दी, साथ ही ट्रायल में सहयोग का भी निर्देश दिया है। गौरतलब है कि भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की वाराणसी के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में 24 मार्च को सौंपाया गया था। आकांक्षा दुबे की मां की तरफ से समर सिंह पर आत्महत्या के लिए उकसाने के समेत कई आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद समर सिंह को 8 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद निचली अदालत ने समर सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। समर सिंह ने फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था। कई दिनों तक चली सुनवाई के बाद आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समर सिंह को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। वाराणसी के सारनाथ इलाके के एक होटल में 26 मार्च को संदिग्ध हालत में भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे का शव मिला था। आकांक्षा अपनी फिल्म लायक हूँ मैं नालायक नहीं की शूटिंग के लिए वाराणसी में गई हुई थी। एक्ट्रेस के कमरे से पुलिस को कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ। इस मामले में भोजपुरी सिंगर समर सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। समर सिंह पर एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगा था। भोजपुरी अभिनेत्री की खुदकुशी के बाद से ही पुलिस समर सिंह की तलाश में जुट गई थी। कई जगह छापेमारी के बाद पुलिस ने समर सिंह को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि लोगों को लगता था कि समर सिंह ने आकांक्षा दुबे का हत्या किया है, लेकिन अभी कोर्ट के जमानत के बाद लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या आकांक्षा दुबे की मौत का राज कब खुलेगा, क्या समर सिंह जिम्मेदार है भी या नहीं, क्या सच में समर सिंह को इस मामले में फंसाया जा रहा था या फिर वो साजिश के तहत घूस देकर बाहर निकल गए हैं। बहरहाल आपको इस पर क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।